सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो जो लिया है वापस कर। शुभ सर, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मंगलसूत्र मेरे पास है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो जो लिया है वापस कर, वरना तुम सबको चार कदम छोड़ने के लायक नहीं छोड़ूंगा। बीवी की बात मान लेनी चाहिए, क्यों फालतू में बहस कर रहा है? तुझे मार खाने का बहुत शौक है क्या? चलिए प्लीज। शौक मुझे तो नहीं लगता तुम सबको है, आखिरी मौका है, वरना तुम सबका शौक पूरा कर दूंगा। ये ऐसे नहीं समझेगा। संग जैसे मोती का बंधन एक दूजे को सब कुछ अर्पण। सीप के संग जैसे मोती का बंधन एक दूजे को सब कुछ अर्पण। प्रेम की बांसुरी पे पिरोले प्रीत की धुन। शुभ शगुन खतरा मोल लेने का शौक है क्या तुम्हें? जब मांग रहे थे मंगलसूत्र तो दे देती, बाकी गहने भी तो दिए थे ना। ये बाकी गहनों से अलग है। क्यों? क्योंकि ये मंगलसूत्र आपने मुझे शादी के वक्त पहनाया था। बेशक ही हमारी शादी धोखे से हुई है सर, लेकिन साथ लिए गए सात फेरे, बड़ों का आशीर्वाद और वो मंत्र धोखा नहीं थे। उन सबके मायने आज भी जिंदा है। इस जंजीर को रिश्ते का नाम मत दो तुम, देख लेना एक ना एक दिन ये जंजीर भी टूटेगी और तुम भी। फिर तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। तुम्हारे लिए ये रिश्ता मायने रखता होगा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि
शुभा में छोड़ के चला गया। अभी इसकी उम्र ही क्या थी? पता नहीं वो कौन मनुष्य था जो हमारे बच्चे हमारी शुभ की जान के पीछे भरा था। किसी ने नहीं सोचा था चाची कि भैया ऐसे चले जाएंगे। चला नहीं गया वो, उसे मारा गया। तुझे याद है हमारे शुभ पर पहले भी हमले हुए? याद कर उसने पहले हमले के बाद क्या बोला था। उसने बोला था कि उस पर ये हमला इस शगुन ने करवाया था। सर वो लड़की शगुन वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है सर, अपने ही भाई पर गोली चलाने के लिए कहा सर। सारा का सारा इज्जत आपके ऊपर डाल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों भाई बहन की जोड़ी ने हमारे शुभ को निपटा दिया? नहीं चाची नहीं, युग कभी ऐसा नहीं कर सकता। मेरा युग ऐसा नहीं कर सकता चाची। नहीं क्यों? हाँ तू ठीक बोल रही है, युग तो बेचारा साफ मन का है, सीधा है वो। ये शगुन इसके मन में मैल है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है हमारे शुभ का काम इसने निपटा दिया। ये नाटक बंद करो और चलो यहाँ से। देख क्या रही हो, तुम्हारे बिना घर में एंट्री नहीं मिलेगी मुझे। चलो चलो। चल नहीं सकती, मेरा पैर मुड़ गया है। पैर में दर्द है? लो दिखाओ मुझे, दिखाओ। खड़ी हो। नाटक बंद करो। सर्व मंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहीं सच में यह शुभ की आत्मा भटक तो नहीं रही? वो बोट फिर से दिखा। नहीं दिखा, मतलब जब यही सवाल मैंने पहले उठाया था तो सब ने मेरा मुंह बंद करा दिया। बुला रहे वो अगली बार मिलेगा तो उससे पूछ लेना, उसे कपड़े तो नहीं चाहिए, उसे घर तो नहीं चाहिए। बड़ा सवाल तो ये है कि शुभ की आत्मा सिर्फ तुम्हें और मुझे क्यों दिखाई दे रही है, किसी और को क्यों नहीं? आत्मा है, किसी को भी दिख सकती है, इसीलिए हमें दिख रही है। नहीं, अगर शुभ की आत्मा होती तो सबसे पहले नव्या के पास जाती, अम्मा जी के पास जाती, कनिका के पास जाती, हमारे पास क्यों? कुछ ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पा रहे। अरे रोहन, मेरे भैया की जगह ना हमारे ताई होनी चाहिए थी। बुआ ने बताया तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। बैठो मेरे साथ। भैया के जाने के बाद अगर मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, जी रही हूँ, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अब अगर तुम भी खाना नहीं खाओगे तो मैं भी भैया की तरह मर जाऊंगी। ऐसी बात दोबारा मत करना। तुमने कुछ खाया? क्यों नहीं खाया फिर? पहले तुम खाओगी। मुझे पता है तुम अपनी ताई से बहुत प्यार करते हो, पर चाची ने जो कहा मुझे वो भी गलत नहीं लग रहा है। युग, उम्मीद है ताई और तुम्हारे बीच जो भरोसे की कमी है वो जल्द ही भर जाएगी।
इस मुश्किल समय में परिवार का एक साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। इतनी लगी है? के चल रही हो, तुम्हारे पेन है, एटलीस्ट बताओ तो सही। मेडिसिन लगा दिए, ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। ये मत सोचना कि हर बार तुम्हारी हेल्प करूंगा, अपना ख्याल खुद रखो। जाए इसमें जो भी हो जाए
जैसे मोती का बंधन, एक दूसरे को सब कुछ हर पल प्रेम की बांसुरी पे फिरोने तो करना पड़ेगा। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। अरे बाकी मैं आपको वक्त आने पे सब बता दूंगा। तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है, आपको बता देते खुशी की बात है बेटा। जान नहीं चाहिए दादे, किसी की जान बचानी है। मतलब दादी वो आप संभल कर, रात को नींद में बहुत रो रही थी, हमें लगा कि शायद बुरा सपना देख रही हो। फिर तुम्हारे सर पे हाथ रखा तो बहुत ही बुखार था। चिंता की कोनो बात नहीं, डॉक्टर को बुलाकर इंजेक्शन लगवा दिए है। बहुरिया वो यही है। अम्मा जी मैं एक काम करती हूँ, मैं शगुन के पास आज रात रुक जाती हूँ, अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो फिर मैं। काहे, छोटी बच्ची थोड़ी ना है, अपना ख्याल रख सकती है। ठीक अम्मा जी, लेकिन कहाँ ना, मेरे साथ ख्याल रखना बेटा। हाँ आइए। सच सच बता दिया? बताना पड़ा। पर क्यों? आपने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया, पर क्यों? मुझे जो होता सो होता, आपको तो कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर इस बार ऐसा क्यों? आपकी प्रॉब्लम पता क्या है? आप जल्दी देखिए किसी पे विश्वास नहीं करते, और जब करते हैं तो अंधा करते हैं। तो ये दोनों गलत हैं। अब ब्रिजेश भूपा जी पे बहुत विश्वास करते हैं और मुझ पर। पर कोई बात नहीं, कल सुबह होते ही सब पता चल जाएगा।
कि कौन सच्चा है और कौन झूठा।